और पंजाब की राजनीति में माहौल गर्म है क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर किसका हक हो इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया। इधर हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अकाली नेता सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं हरसिमरत कौर बादल, उनसे जानते हैं जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है आप क्या कहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ पर किसका हक होना चाहिए। देखिए, पंजाब जब लाहौर से लेकर दिल्ली तक होता था वो पंजाब था, जब देश का बंटवारा होया हमारा आधा पंजाब अभी में भी पंजाब पाकिस्तान में पंजाब कहलवाता है, और इधर का पंजाब पंजाब से लेकर दिल्ली तक होता था। हमारे पंजाब को ही टुकड़े टुकड़े करके इसमें से हरियाणा बनाया गया, हिमाचल बनाया गया और दूसरी दिल्ली वगैरह बनाई गई। तो पंजाब का जब टुकड़े टुकड़े किए गए थे, बिल्कुल साफ जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है उसमें ये साफ तौर से लिखा गया था, पार्लियामेंट में पास हुआ था दोनों हाउसेज में, कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है लेकिन टेम्प्ररी हरियाणा और पंजाब के बीच शेयर करी जाएगी जब तक हरियाणा की अपनी राजधानी नहीं बन जाएगी। उसके बाद 1985 में प्रधानमंत्री ने इधर राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड, पहली बारी एक केंद्र की सरकार ने एक पार्टी के साथ एक अकॉर्ड साइन किया जो पार्लियामेंट में रेटिफाई हुआ कि 26 जनवरी 1986 में चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। वो आज तक ना कांग्रेस ने पूरा किया, और मुझे हैरानी होती कि और कोई दावा कैसे कर सकता है जब यहाँ पे पार्लियामेंट में पास हुआ। आप अकॉर्ड की तरह जो 1966 का पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको पढ़िए, आप राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड को पढ़िए। मैं इस सरकार को कहती हूँ आप इमीजिएटली हमारा चंडीगढ़ हमें ट्रांसफ़र करिए, ये पंजाब का था, पंजाब की ज़मीन पर बना है और पंजाब में ही रहेगा। और जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है अकाली दल उसका समर्थन करता है। राज्य सरकार अपने 92 MLAs को बिठा के कुछ भी पारित कर दे, इसकी जो लड़ाई लड़नी है आपने अदालतों में जाके उसके बारे तो कुछ बोला नहीं। पंजाब में आज दिन दिहाड़े कबड्डी प्लेयर्स के नौजवानों की हत्या हो रही है, 4 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल उनको उठा के गुजरात के दौरे करा रहा है सरकारी खर्चे पे। पहले दिल्ली के खर्चे से पंजाब जीता, अब पंजाब के खर्चे से देश भर में घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को मैं बेनती करूंगी, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं पंजाब में, बड़े बड़े आपने वादे किए हैं, ज़रा पंजाब की तरफ ध्यान दीजिए। ये केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री दिल्ली के, लेकिन किसी दिन हिमाचल में, किसी दिन गोवा में, कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, आप इनकी तरह बन जाएंगे तो पंजाब को कौन सांभेगा। आज हम देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम के बाद और ख़ास तौर से जिस तरीके से ये विवाद हुआ है, इसके बाद हरियाणा के राजनेताओं के बयान भी आए हैं, SYL नहर का इशू वो याद दिलाया जा रहा है पंजाब को। देखिए, पानी हमारा था, ये इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह के ऊपर जोर लगवा के ये पानी दिया। रिपेरियन प्रिंसिपल सिर्फ पंजाब एक रोता सूबा है, राज्य है पूरे देश में जिसकी ना राजधानी कांग्रेस ने दी, और रिपेरियन प्रिंसिपल जो हमको राइट देता है कि जिस स्टेट में से पानी जाता है वो पानी का पहला अधिकार उस स्टेट का होता है। हमारा पानी ये कांग्रेस ने उस समय में लेके दूसरे राज्यों में दे दिया, हमारा तो खुद का पानी कम है। हम तो कहते हैं जो राजस्थान हमसे पानी लेता है, जो दिल्ली और हरियाणा जाता है, उसका हमको पैसे दे किराया मिलना चाहिए जैसे दिल्ली सरकार हिमाचल को देती है। तो पानी के हमको देने के लिए क्या एक टुपका नहीं दे सकते, बल्कि जो जाता है वो उसकी भी हमें ज़रूरत है। हमारे अपनी राजधानी चाहिए, हमारे अपना पानी चाहिए, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता। धन्यवाद बात करने के लिए। और बड़े सवाल उठाते हुए अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल इस पूरे विवाद में अकाली पार्टी की राय रख रही थी। प्रदीप कुमार।